हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लीची का फ्रेश जूस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड्स लाइफ पर। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकन। तो गाइस, आइए जान लेते हैं हम लीची के कुछ फ़ायदे। लीची गर्मियों के सीज़न का एक रसीला पल्पी फ्रूट है। ये गर्मियों में ही आता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स होते हैं और ये विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होता है। ये एंटी एजिंग का काम करता है और हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है। तो गाइज, हमने यहाँ पे 2 ग्लास जूस के लिए कुछ लीचियाँ ली हैं, इन्हें हम छील लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे चीनी लेंगे एक बोल में। हमने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच चीनी ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इन्हें छील लेते हैं। लीची को छील लेंगे इस तरीके से। और इसको एक कट का निशान देंगे यहाँ से और इसके पल्प को इसके बीच से हम अलग कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। ये बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप एक कट का निशान दे देंगे तो अच्छे से इसका पल्प अलग हो जाता है। इसी तरीके से हम सारी लीचियों को छील लेंगे। ये हमने 1 कप के करीब लीची छील ली है। लीची का पल्प है 1 कप के करीब। चीनी, बर्फ़ के टुकड़े और मिंट लीव ली है कुछ हमने यहाँ पे। तो आइए एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें पल्प डालेंगे। शुगर ऐड करेंगे, मिंट लीव, कुछ बर्फ के टुकड़े डालेंगे। हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, जैसे कि ये जिंजर और लेमन। अगर आपको जिंजर का टेस्ट नहीं पसंद है, फ्लेवर नहीं पसंद है, तो आप इसे अवॉइड करें। लेमन से काफ़ी टैंगी सा टेस्ट आता है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ऐड करें, ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हम यहाँ पे स्क्वीज़ कर लेंगे लेमन को। 1 लेमन के करीब हमने लिया है यहाँ पे जूस। वाटर ऐड करेंगे 1 से 1.5 ग्लास और फिर इसे ब्लेंड करेंगे। स्मूथली ब्लेंड करना है इसको। गर्मियों में ये फ्रेश जूस बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और अपनी फैमिली को सर्व करें। काफ़ी फ़ायदे भी हैं इसके। तो ये फ्रॉथी सा जूस हमारा रेडी हो गया है। इसे अब हम स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। आप इस जूस को कितना भी पतला और गाढ़ा बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना पतला पीना चाहते हैं। तो ये हमारा जूस रेडी हो गया है। अब हम इसे 1 ग्लास जार में डाल देंगे और फिर सर्व करेंगे। तो अभी हम सर्विंग ग्लासेस निकाल लेंगे 2। या आप कभी भी मॉर्निंग, इवनिंग या फिर लंच के टाइम ये जूस ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, जो कि मैंने आपको बताया अभी। तो अब हम सर्व कर लेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और मेरी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो हमारा ये कूल कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है, लीची जूस। आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें और अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।